क्या हाल है? ठीक है, सकलेन जी को आपके डीजी खान में आ गए। पानी दे भाई, पानी पानी दे, पानी दे, पानी पानी दे, पानी उधर उधर। यार ये क्या कर रहे हो? हमारे किसी मत तो हम क्या करें? जख मार रहे हैं फिर। मैडम आपने जाना नहीं हमें मीडिया के चक्कर में। भाई एक मिनट के लिए सख्त सवाल करते हैं। इधर साए में, इधर साए में। अच्छा मोबाइल तो नीचे करते हो क्या? मैम नहीं हुआ, थोड़ा मट्टी डालेंगे सर, थोड़ा सा पीछे हो जाए सर। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। आप सबका मीडिया का इंतहाई शुक्रिया कि आप लोग सब लोग यहाँ हमारे पास तशरीफ लाएं। और मैं स्पेशली अपने भावलपुर की पूरी टीम का, कमिश्नर साहब का, एसी साहब का, डीसी साहब का, फिर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और अब जो मेरे साथ स्पेशली दाएँ हाथ में मेरे साथ जो है शैला एहसान खड़ी हैं, जो कि पीएचए की हमारी चेयरमैन भी हैं, और उनके साथ उनके डायरेक्टर और पूरा पीएचए का अमला भी यहाँ पे खड़ा है। वैसे भी मैं समझती हूँ कि भावलपुर जो वो इंतहाई जो साउथ पंजाब है, मैं समझती हूँ कि वो उन शहरों में आ जाता है जो कि लाहौर का भी मुकाबला कर सकता है क्लीनलीनेस में भी और ग्रीनरीनेस में भी। और उसमें मैं समझती हूँ कि हमारे जो टाइगर फोर्स है और फिर हमारे जो पीएच है, स्पेशली मैं अपनी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, जैसे मैं शैला एहसान की बात कर रही हूँ, मेरे साथ राबियापा भी खड़ी हैं, गोहीर साहब भी खड़े हैं, जोया साहब भी खड़े हैं। मैं समझती हूँ इन सब लोगों का बड़ा किरदार है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है कि वो समझते हैं कि हमने आने वाली नस्लों के लिए जो है वो पाकिस्तान को एक सेफ पाकिस्तान बनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा मुल्क इंतहाई खूबसूरत है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा है, लेकिन पिछले हुक्मरानों ने इस चीज़ को इतना नहीं समझा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है कि हम लोगों ने क्लाइमेट एक्शन जो SDG 13 गोल है उसको इस तरीके से हमने कॉम्बेट किया है, टैकल किया है, हमने इतने बड़े 7 बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, 10 बिलियन ट्री सुनामी समेत, और क्लीन ग्रीन जो सिटीज इंडेक्स है उस समेत, और प्लास्टिक बैग्स बैन समेत। उसकी वजह से दुनिया में हमारी इस कदर पसीराई हुई है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो दुनिया के 5 बड़े लीडर्स में से शुमार होते हैं जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हैं। और दूसरा ये कि 2030 में 10 साल बाद असेसमेंट होनी है। इंडिपेंडेंट ज्यूरर कहते हैं, एनालिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त राइट ऑन ट्रैक है। 10 साल पहले टारगेट में माशाल्लाह पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम ट्रैक पर आ रहे हैं। उसमें हमारी PHA का रोल है, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल है। अभी जो PHA को जो भावलपुर है, इनका टारगेट, चूंकि इन्होंने शहर में अर्बन प्लांटेशन करनी होती है, इनका 11,000 का टारगेट है और ये उसको पूरा भी कर रहे हैं। वैसे बिलियन ट्री सुनामी का जो इस दफ़ा मूनसून प्लांटेशन का टारगेट है, वो तकरीबन जो है तकरीबन वो बेसिकली पूरे पाकिस्तान में हम पहली 49 करोड़ दरख्त लगा चुके हैं, 48 करोड़ के करीब हमने भी लगाने। सीज़न के आखिर में इंशाल्लाह हम आपको 1 अरब दरख्त लगाने में कामयाब हो जाएंगे। और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मिशन है, उसमें हमारे चाहे ख्वातीन है, सिविल सोसाइटी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे टाइगर फोर्स है और हमारी PHAs हैं, ये सब मिल के काम कर रहे हैं। हम शहरों को खूबसूरत बना रहे हैं, क्लीन भी बना रहे हैं, ग्रीन भी बना रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये भी बड़ी अचीवमेंट है कि जो इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पोर्टल पे 2 साल की कारकर्दगी जो है वो जो असेसमेंट हुई कि पब्लिक का कितना ट्रस्ट है, उसमें 57% जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के ऊपर पाकिस्तान के लोगों का हाईएस्ट हमारी परफॉर्मेंस में, उसमें भी मुझे मैं समझती हूँ कि हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जब क्लाइमेट चेंज का लोग नाम भी नहीं समझते थे, अब एटलीस्ट पाकिस्तान के लोगों को ये पता है कि दरख्त लगाना भी सवाब है, सफाई भी निस ईमान है, हम अपने शहरों को और अपनी गलियों को अपना समझ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हाथ भी बटाना है और अपने हिस्से का दरख्त भी लगाना है।